हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सबसे बाय बाय टाटा करके निकल रहे हैं अपने घर रांची। आज हम आपको अपने वाराणसी से झारखंड की रोड ट्रिप के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इतनी जल्दी हमारा एक हफ्ते का ट्रिप पूरा हो गया कि हमें खुद भी पता नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन पहले हम अपनी ट्रिप की प्लानिंग करके हुए सब कुछ पैक कर रहे थे और जल्दी निकलने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन आज हमें घर से जब जाना पड़ रहा है तो हाँ, थोड़ा बुरा ज़रूर लग रहा है, पर ठीक है, जल्दी आएंगे। काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए हमने फटाफट से सबका आशीर्वाद लिया, सबसे प्यार लिया, अच्छुटकू को प्यार किया और जल्दी से निकल रहे हैं हम अपने घर, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और हमें टाइमली घर भी पहुँचना है। आव्या तो गाड़ी में ही बैठ गई, उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर किसी तरह भैया ने हम लोगों ने समझाया कि हम लोग जल्दी आएंगे, तो फिर ये उतर गई और हम चले वापस उन्हीं गलियों से जहाँ पे गाड़ी निकालने में बहुत मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। फाइनली हम अपनी गली से बाहर निकल रहे हैं और अब होती है हमारी जर्नी शुरू, बनारस टू रांची। अब हम जा रहे हैं अपने घर। आपको कैसा लग रहा है अपने घर जाके? दो घंटे बीत चुके और अब लग रही है तगड़ी वाली भूख, इसलिए अब हम लोग खाएंगे मम्मी ने बना के दिया था ब्रेड सैंडविच और छोले, और फिर कहीं रुकते हैं चाय पीने। फाइनली एक घंटे बीतने के बाद हमें चाय की टपरी मिल गई है और अब हम जा रहे हैं चाय पीने। मैं भी कुछ टाइम से झारखंड में रह रही हूँ, तो वहाँ के कुछ रोचक तथ्य आपको बताती हूँ। झारखंड भारत का एक राज्य है जो उत्तरी भारत में स्थित है। यह राज्य 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य बना था। झारखंड घने पहाड़ों, जंगलों और नदियों से भरा हुआ है। झारखंड में कई धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ख्रिस्टी शामिल हैं। इस राज्य में कई उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें छठ पूजा, होली, दुर्गा पूजा और दिवाली शामिल है। जब आप हमारे साथ झारखंड चल ही रहे हैं, तो झारखंड के 5 रोचक तत्व भी आप जान लीजिए। झारखंड का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। झारखंड शब्द का अर्थ है वनों का देश। झारखंड राज्य को भारत के अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बनाया गया था। इस राज्य में बड़े पैमाने पर आदिवासी जनजातियों की आबादी है। झारखंड धातुओं और खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है। इस राज्य में अधिकतर खनिज संपदाएं मिलती हैं, जैसे कि कोयला, बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। झारखंड राज्य के जंगल भारत के सबसे घने जंगलों में से एक है। झारखंड में छठ पूजा का त्योहार बड़े ही उत्सव से मनाया जाता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एंटर किए हैं झारखंड के बॉर्डर में, तो सबसे पहले जब हम लोग बनारस की तरफ से आते हैं और झारखंड में एंटर करते हैं, तो सबसे पहला जो एरिया पड़ता है वो है चौपारण। चौपारण यहाँ पे फेमस है। चौपारण में खिरमोहन के लिए यहाँ पे सारी दुकानें, हर दूसरी दुकान पे खिरमोहन ही बिक रहा होता है। ये खड़िया में बना करके ये लोग खिरमोहन देते हैं। देखिए साइड में आप दिख रहा होगा, मटका खिरमोहन, मनोकामना खिरमोहन, वृंदावन खिरमोहन, मतलब जितने भी नाम आप सोच सकते हैं, हर नाम से यहाँ खिरमोहन ही बेचा जाता है। सारी दुकानों में खिरमोहन ही खिरमोहन। ये जो पैच है यहाँ पे, फ्लाईओवर का काम चल रहा है, मुझे लग रहा है 2 साल से मैं इस पे आ रहा हूँ और 2 साल से फ्लाईओवर का काम चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक फेस करना पड़ता है हम लोग को। लेकिन ये जो 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का पैच है, ये निकलने के बाद फिर से नॉर्मल रूट स्टार्ट हो जाएगा,
और जैसा कि पुराने व्लॉग में भी मैंने डिस्कस किया ही था कि झारखंड फेमस है अपने रोड्स के लिए, बहुत स्मूथ रोड्स हैं यहाँ पे, गाड़ी चलती है 100 पे 80 पे 100 पे तो, लेकिन वो ज़्यादा वॉबल नहीं करती, एकदम स्मूथ चलती रहती है। अभी हम लोग क्रूज कर रहे हैं हजारीबाग रांची एक्सप्रेसवे पे NH 33। शाम के हो रहे हैं 5:27। अभी यहाँ से 65 किलोमीटर और जाना है, एक घंटे का टाइम लगेगा, 6:30-7 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। टाइम हो रहा है 6:45 और फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं। अगर ये सफ़र आपको हमारे साथ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।